सो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कि क्यों इतने सारे एफर्ट्स के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना कुछ, इतने वीडियोस टीएमएस से रिलेटेड, माइंड बॉडी सिंड्रोम से रिलेटेड देखने के बाद भी लोग क्यों नहीं ये बिलीव कर पाते हैं कि पेन कुड बी कॉज्ड बाय द ब्रेन। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ ग्रुप में भी, वो उनके लिए मुश्किल होता है बिलीव करना। वो घूम फिर के फिर उसी स्क्वायर वन, जीरो पे आ जाते हैं, बैक टू द स्क्वायर वन, कि हाउ कैन ब्रेन प्रोड्यूस पेन, हाउ कैन ब्रेन प्रोड्यूस टिंगलिंग सेंसेशन एट्सेट्रा। तो इसके पीछे जो है एक हमारा बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी सिस्टम जो है, हमारी बायोलॉजी हमें हरा देती है, हमारी एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग को हरा देती है, क्योंकि इवोल्यूशनरी पर्पज से पेन बना ही हमें प्रोटेक्ट करने के लिए था, और पेन का मतलब ही था इंजरी। अब सपोज करिए आप एक एथलीट हैं, तो एथलीट हैं आप, तो रनिंग करते हैं आप, जंपिंग करते हैं, यू डू मैनी एक्टिविटीज़। बट सपोज करिए एक दिन आपका एंकल ट्विस्ट हो गया, और अगर पेन का अलार्म होता ही नहीं हमारे सिस्टम में, तो आपको पता ही नहीं लगता कि एंकल में गड़बड़ी हो चुकी है, कोई लिगामेंट्स आपके डैमेज हो चुके हैं, या फिर कोई माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर आपको हो चुका है। आप रनिंग कंटिन्यू रखते, और नेक्स्ट डे होता कि आपकी कोहनी में लग जाती है, आप गिरते, आप फिर कोहनी का यूज़ कंटिन्यू रखते। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, क्योंकि आपने हीलिंग का टाइम नहीं दिया बॉडी को, आपके टिश्यूज़ इतने डैमेज, इतने बेकार हो जाते कि आपकी बॉडी बिल्कुल फंक्शन नहीं कर सकती थी, आपके अंदर सीवियर इन्फेक्शन पैदा हो जाते, विच मे लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस एंड वी माइट इवन डाई। तो इसके लिए क्या था कि नेचर ने हमें पेन का मैकेनिज्म दिया, कि द मोमेंट हमारी बॉडी को लगे, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाए कि यू आर इन डेंजर, है ना, स्टॉप राइट देयर, और फिर आपकी बॉडी वहाँ पे, ब्रेन आपका सिग्नल देके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है उस बॉडी को, स्वेलिंग आती है उस जगह पे बॉडी की, है ना, रेडनेस आ जाती है, और आपको पेन होता है कि आप मूव ना करो उस पार्ट को, हीलिंग हो जाए, उस दिन बाद हीलिंग हो जाती है एंड यू आर गुड टू गो अगेन। बट अब ब्रेन एसोसिएट कर लिया है, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा सिखाया गया है कि दर्द का मतलब कोई ना कोई इंजरी है, तो ये चीज़ हमारे माइंड में डीप इंग्रेन कर गई है, इसलिए हमें बिलीव करना मुश्किल होता है। जब भी पेन होता है तो हम इतना, हमें कंडीशन कर दिया गया है बचपन से ये सब बता के, कि घूम फिर के हम वही सोच देते हैं कि पेन मेरा परसिस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ऐसे पेन क्यों होना था। बट नाउ वी हैव प्रूफ, है ना, इतनी सारी डिटेल में हमने बातें की हैं, इतने सारे एविडेंस हैं कि क्रॉनिक पेन में न्यूरोप्लास्टिक पेन का बहुत बड़ा हाथ है, दैट मीन्स कंडीशन हो चुका है हमारा ब्रेन, हमने किसी पर्टिकुलर स्मेल को, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, किसी पर्टिकुलर टाइम को एसोशिएट कर लिया है, जिससे पेन क्रिएट होता है हमारे ब्रेन में उस एक्टिविटी को करने मात्र से, उसके बारे में सोचने मात्र से, तो दैट इज़ कंडीशन रिस्पॉन्स। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल साइटेड हैं हेलन गॉर्डन की बुक में, कि जिसमें एक व्यक्ति थे जिनको शाम अंधेरे को एंगजाइटी और पैनिक अटैक से एसोशिएट कर लिया था, वो एक तरह से फॉल्टी अलार्म या शॉर्ट सर्किट कह लो, कुछ भी कह लो, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हो जाता है कभी फॉल्ट, तो वैसा ही ब्रेन की सर्किट्री में अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एसोशिएट कर लेता है कुछ हैबिट्स को, कुछ एक्टिविटीज़ को पेन के साथ, और हमें लगता है कि ये किसी फिजिकल पार्ट से आ रहा है पेन, और सालों साल हम ट्रीटमेंट में लगाते हैं बट हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि उसका रीज़न फिजिकल होता ही नहीं है। तो ये तो बात है कि क्यों हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल हम देख सकते हैं, बुक्स से नॉलेज गेन कर सकते हैं, माइंड बॉडी अप्रोचेज की इतनी सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, उसके ऊपर हमने डिफरेंट वीडियोज़ में बात किया है। तो जितना आपको नॉलेज, जितना अवेयरनेस जितना आएगा, उतनी आपके पास पावर है, कहते हैं नॉलेज पावर। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी आपसे सोमैटिक ट्रैकिंग के बारे में, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी आपसे प्रॉमिस किया था, और मैं जानता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सोमैटिक ट्रैकिंग, जैसे एलन गॉर्डन ने कहा है कि मीन्स आपको पेन, अपने फिजिकल सेंसेशंस को ट्रैक करना है, थोड़ा आंखें बंद करके या आंखें ओपन करके भी आप कर सकते हो, पेन के प्रति अपना आपको व्यू बदलना है, कि पेन से मुश्किल है क्रॉनिक पेन वालों को भी, पेन उनके लिए इतना वर्ड ही ऐसा है कि सोच के ही मतलब सोचना नहीं चाहते हम पेन के बारे में, क्योंकि पेन ही है जो आपने इतने सालों 365 डेज एक्सपीरियंस किया है लगातार, तो पेन के बारे में आप ज़्यादा सुनना नहीं चाहते। पर यहाँ पे थोड़ा सा यही ट्रिक है कि पेन के प्रति अपना नज़रिया बदलना है। नज़रिया कैसे बदलना है, तो नज़रिया इस तरह बदलना कि आपने उसको जस्ट एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह एक्सपीरियंस करना है, कि क्या क्या सेंसेशन है एक्चुअली में, आपको क्यूरियस होना है, मुश्किल है थोड़ा सा पर ट्राई करना है। क्यूरियस मतलब आपको, मान लो आपको जहाँ भी एरिया में पेन है, आपको वहाँ पर अपना पूरा फोकस अटेंशन ले जाना है, पर आपको इसकी पहली कंडीशन है कि आपको पेन होना ज़रूरी है सोमैटिक ट्रैकिंग करते टाइम, यही एक कंडीशन मतलब सोमैटिक ट्रैकिंग का रिक्वायरमेंट है कि हम पेन फ्री होना चाहते हैं। बट अगर सोमैटिक ट्रैकिंग के थ्रू पेन फ्री होना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बुक्स पढ़ के और इंटरव्यू देख के ठीक हो जाते हैं, उनमें सेफ्टी का मैसेज मिल जाता है ब्रेन को, तो उनको जब ये कन्विंस हो जाता है कि आई एम सेफ, मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, पेन माइंड से भी क्रिएट हो सकती है, मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हज़ारों लोगों को भी जो भी एक्सरे एमआरआई की फाइंडिंग मेरी है, वो बाकी लोगों की भी है और वो हेल्दी हैं, तो उसी चीज़ से कन्विंस हो जाते हैं। बट कुछ लोग जो जिनको बिलीव करना हार्ड होता है, जिनको और एविडेंस चाहिए, तो वो कुछ लंबा टाइम लगाते हैं रिकवरी में, तो सोमेटिक ट्रैकिंग वो लोग करते हैं, तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि
आपको पेन की कंडीशन में होनी चाहिए, तभी आप पेन को ट्रैक कर पाएंगे ना, तभी आप अपना नजरिया बदल पाएंगे। तो जो भी आपका ट्रिगर पॉइंट, मान लो आपको बैठते हुए पेन लगता है आप बैठ जाना है, आपको चलते हुए लगता है आपको चलते फिरते सोमैटिक ट्रैकिंग करने पर आँख बंद के नहीं चलना है, आपको आँख खोल के ही चलना है और उसी टाइम अपने पेन को ट्रैक करना है। तो जैसे मान लो आपको बैठे हुए पेन है तो आप बैठ के आंखें बंद करके उस एरिया पे फोकस करिए, बिल्कुल अपना पेन पे अपना ध्यान आपको लाना है, किस एरिया में है ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व बिल्कुल लाइटली करना है। सपोज फोकस ऐसे नहीं करना कि आप अंगूठी पानी डलते पानी में गिर के आप कितना हार्ड ट्राई करते हो कि यार कहाँ गई अंगूठी, कहाँ गई, कहीं बहना जाए, तो वो आप हार्ड ट्राई कर रहे हो। ऐसा करोगे तो दैट मीन्स फिर से माइंड को आपको मैसेज आएगा कि यू आर अफ्रेड ऑफ द पेन, वाई आर यू ट्राइंग सो हार्ड। बट आपको कैसे करना है, जस्ट सपोज करो एक रेनबो निकला है बारिश के बाद, उसको आप इतने आराम से एंजॉय करते हो, ऑब्जर्व करते हो उसकी ब्यूटी को देखते हो, तो उस तरह से लाइटली ऑब्जर्व करना है, धीरे धीरे ध्यान को फोकस करना है पेन वाले एरिया पे, और देखना है कि कोई हमारा एजेंडा नहीं है कि हमें ठीक करना है पेन को, हम क्यों हो रहा है, किस एरिया पे हो रहा है, ताकि मैं वहाँ पे मसाज कराऊँ, ना हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं, हमें जस्ट जस्ट देखना है पेन कैसा है सेंसेशन। जैसे आपका बर्निंग हो सकता है सेंसेशन, है ना, हॉट या कोल्ड सेंसेशन आ रहा है क्या, पोकिंग सेंसेशन है, ट्विचिंग है, या ऐसे टाइटनेस है, जस्ट ऑब्जर्व करना है आपको, कोई बात नहीं, जैसा भी है इट्स ओके, हमारा एजेंडा सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसी पॉइंट पे आपको ध्यान को अपने को केंद्रित करना है। फिर देखना आप जैसे जैसे फोकस कर रहे हो तो क्या वो मूव कर रहा है किसी दूसरे एरिया पे, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है क्या, या ज़्यादा हो रही है, या सेम रह रही है, या अदर एरियाज में स्प्रेड हो रहा है या लोकलाइज हो रहा है किसी एक एरिया पे। तो ऐसे ही आपको कुछ सेकंड तक और ध्यान अपना केंद्रित करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना और कुछ नहीं, कि क्या हो रहा है। इससे इसका ट्रिक क्या बोलोगे, इससे करने से क्या होगा, इससे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, आप इतना रिलैक्स होगे जब पेन को ऑब्जर्व करोगे तो आपके ब्रेन को एक सटल मैसेज जा रहा है कि ये बंदा इतना लाइट होके इतना केयर फ्री होकर पेन को एंजॉय कर रहा है, दैट मीन्स पेन कोई हार्मफुल, कोई डेंजरस अलार्म किसी की वजह से नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। जब आपके ब्रेन में ये बात चल जाएगी ना कि पेन कोई इशू नहीं है, आपने इतना बड़ा इशू बना रखा है अब तक क्रोनिक पेन में, उसको इतना उसको ट्रैक करके इतना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करके कि कौन सा स्ट्रेच करूँ ताकि स्पैज्म ठीक हो जाए, टाइटनेस स्टिफनेस ठीक हो जाए, हमने पूरा फोकस उस पर कर रखा है, तो ब्रेन ने पेन को एक डेंजर के रूप में रिकग्नाइज कर लिया कि आप कॉन्स्टेंट डेंजर में हो, तो पेन का कंसेप्ट ही ब्रेन के लिए अलग हो गया है। तो अब आप जब बिल्कुल लाइट हार्टेडली, है ना, लाइटली ऑब्जर्व कर रहे हो बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के, तो अब ब्रेन में एक नया मैसेज आ रहा है, नए सर्किट्स बन रहे हैं सेफ्टी के, ये सेंसेशंस ओके हैं, इनसे आपको कोई खतरा नहीं है। तो ये अगर आपने ये स्टेप कर लिए जो मैंने बताया कुछ ही सेकंड्स का, हार्डली आप मैक्सिमम 1 मिनट तक कर सकते हो, तो आपने लाइफ का फर्स्ट सक्सेसफुल सोमैटिक ट्रैकिंग एक्सरसाइज कर लिया है। यही है सोमैटिक ट्रैकिंग, कोई बहुत इसमें कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, और नाम इसका थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, बट इट्स अ रियली सिंपल टेक्निक। सो इसी मेथड को आप बार बार रिपीट कर सकते हो दिन में, फिर सी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हो, फिर आप देखिए आपको क्या आउटकम्स मिलते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स जो एलन गोर्डन से मिले वो पहली बार तो यही बोले कि पहली बार हमने लाइफ को सोमेटिक ट्रैकिंग से पेन को अलग नज़रिए से देखा है, तो हम तो हमेशा ये सोचते कि ये कुछ फिजिकल है, कुछ डेंजरस है, कोई मेथड ढूंढते हैं इसको, इससे रिड होने का, गेट रिड होने का, कोई एक्सरसाइज, कोई स्ट्रेच, कोई आइस पैक लगा के इसको ठीक करने का हम सोचते थे हमेशा, बट इस एक्सरसाइज से हमारा नज़रिया बिल्कुल बदल गया कि हमें इसमें इससे छुटकारा पाने का सोचना ही नहीं है, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है। जब आप छुटकारा पाने का पीछा नहीं करते पेन से छुटकारा पाने का, और अलग अलग मेथड्स नहीं ढूंढते कि मैं आज ये ट्राई किया कल वो करता हूँ, तो आपके ब्रेन को सेफ्टी के मैसेज डेफिनेटली जाते हैं, और डेफिनेटली आपके पेन के लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में मैं इतनी ही बात करूँगा आपसे, आप डेफिनेटली इसको ट्राई करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टेक्निक को ट्राई करके देखिए अगर आप क्रॉनिक पेन से जूझ रहे हैं तो, और बार बार इसको रिपीट करिए, कंसिस्टेंसी इज द की हेयर। सो आई विश यू साउंड हेल्थ एंड आई होप यू रिकवर सून, थैंक यू एंड बाय बाय।